नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है सीवाई एस्ट्रोलॉजर में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 26 दिसंबर 2019 को जो सूर्य ग्रहण लग रहा है, ये सूर्य ग्रहण तो है ही, ये एक महान राजयोग है। महान राजयोग क्यों है, किस लिए? आपने कई सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें आपने देखा है कि सूर्य ग्रहण के बारे में बताते हैं कि बच्चों को यहाँ पे बाहर नहीं निकलना चाहिए, गर्भवती महिलाओं के लिए ऐसा है वैसा है, ये सब चीजें सही है। लेकिन सूर्य ग्रहण जब होता है या कोई भी ग्रहण काल का जो समय है, ये एक्चुअलिटी में सिद्धियों को, पूजा पाठ करने को और स्नान करने को एक ऐसा समय होता है जो हमें बहुत ज्यादा लाभ देता है। ये इस साल का जो अभी 26 दिसंबर का जो सूर्य ग्रहण है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि हमारी जो जन्म कुंडली है, हम जब गोचर पे बात करते हैं, क्योंकि जब हमारा राशि फल गोचर जन्म कुंडलियां जब देखते हैं तो क्या होता है कि ग्रह जो है वो भाव में होते हैं अलग अलग, लेकिन ये एक ऐसा महान संयोग बन रहा है इस साल 26 दिसंबर के दिन कि धनु राशि के अंदर, ये एक अग्नि तत्व राशि है और इस धनु राशि के अंदर 6 ग्रह एक साथ विराजमान है, यानी कि गुरु, सूर्य, शनि, बुध और चंद्रमा और केतु, और उनमें से 4 ग्रह जो है वो केतु के नक्षत्र में। केतु जो है मोक्ष का कारक है। प्रत्येक व्यक्ति अपने पुराने बुरे कर्मों को धोने के लिए पवित्र नदियों में स्नान करता है ग्रहण काल में। आप कभी भी देखिए, हरिद्वार में हो या फिर ऐसे जहां भी, जो भी पवित्र नदियां हैं उनमें लोग ग्रहण काल में सुबह सुबह या जब भी ग्रहण आता है उस समय स्नान करते हैं। तो ऐसे पवित्र समय में हम अगर किसी भी ग्रह से पीड़ित हैं, कोई भी ग्रह से हम अपनी जन्म कुंडली में किसी भी दोष से पीड़ित हैं, तो हम जो है वो उस ग्रह से संबंधित पाठ पूजा कर सकते हैं। आप घाट पे बैठ के, यानी कि वहां पे स्नान करने के बाद घाट पे बैठ के उस देवता का पाठ पूजा कर सकते हैं, उस देवता से संबंधित मंत्र का जाप कर सकते हैं, उस देवता से संबंधित यंत्र का निर्माण कर सकते हैं, उसकी पाठ पूजा कर सकते हैं। आपके पास जो भी रुद्राक्ष हैं उनको फिर से वहां पे धो के और एक्टिवेट कर सकते हैं। आपके पास जितने भी यंत्र हैं पुराने और आपके पास जो भी स्टोन्स हैं उन सबको रीएक्टिवेट करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण महासंयोग है। और एक सबसे बड़ा कि इस जन्म कुंडली में, जैसे कि 26 दिसंबर को हमने जो जन्म कुंडली लिया है, 26 दिसंबर को 4 ग्रह यानी कि गुरु, सूर्य और आपका बुध और चंद्रमा, ये जो चारों ग्रह हैं, ये चारों के चारों योग कारक ग्रह और चारों के चारों ग्रह केतु के मूला नक्षत्र में है। यानी कि मूला नक्षत्र का मतलब ये हो गया कि इनका जो देवता है केतु, यानी कि ये चारों ग्रह केतु के एजेंट है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली पे चारों ग्रह कहीं ना कहीं बुरा परिणाम दे रहे हैं तो आप इस दिन केतु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, केतु के मंत्र का साधना कर सकते हैं, आप इस दिन केतु के यंत्र को प्राण प्रतिष्ठित कर सकते हैं। आप क्या करें, मैं आपको ये उपाय बता रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे करिए। सबसे पहले आप क्या करें कि ऐसे यंत्र को या ऐसे लॉकेट को खरीदिए। देखो मैं आपको कुछ फोटो दिखाता हूं। जैसे केतु का ये जो मंत्र है, यानी कि ये जो, ये ऐसा आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, इसको फोटो फ्रेम में मंडवा सकते हैं, इसमें केतु का मंत्र लिखा हुआ है। ये केतु का मंत्र जो है आप जाप कर सकते हैं, ओम स्त्राम स्त्री मिश्रोम से केतु नमः, और ये इसका यंत्र बना हुआ है, इसे आप फोटो फ्रेम में मंडवा लीजिए पहले, और इसे उस दिन जो ग्रहण काल का दिन है उसे आप ले जाइए और वहां पे स्नान करिए, भगवान की पाठ पूजा करिए, इसे तिलक करिए रोली से और चावल से, और इसको अगरबत्ती दिखा के इसकी वहां पे सामने रख के इसके मंत्रों का उच्चारण उसी दिन से शुरू करें, और इसके जो मंत्र संख्या है वो होती है 17,000, यानी 17,000 17,000 मंत्रों का उच्चारण होता है। आप उस दिन से प्रारंभ कर लीजिए और उसके बाद 21 दिन या 11 दिन की पूजा में, यानी कि 11 दिन या 21 दिन के अंदर आप वो सारे के सारे 17,000 मंत्र जो है अपने घर में कर लीजिए, आप उस दिन से उसे शुरुआत कर लीजिए। और इसके बाद इस तरह का यंत्र आप जो है वो प्रिंट आउट से भी निकाल सकते हैं, इसके अन्यथा जो है ये केतु का जो यंत्र है ये ताम्र पत्र पे लिखा हुआ मिलता है, ये भी बहुत बढ़िया है, आप इसे भी ले सकते हैं, बाजार में आपको 50 रुपए से 60 रुपए या 100 रुपए के मध्य में मिल जाएगा। आप इस यंत्र को ले लीजिए और इस यंत्र में आपको यहाँ पे जो मंत्र लिखा हुआ है उसका जाप करना है और ये इसकी संख्या लिखी हुई है, आप इसे वहां पे ले जाके इसको साफ धो के और इसे उसी तरह जैसे पुष्प चढ़ाना है, अगरबत्ती करना है, इसे प्राण प्रतिष्ठित कर लीजिए, आपको लाभ रहेगा। या फिर इसके अलावा अन्यथा जो आप क्या करें कि भोजपत्र आता है, यानी कि आपने देखा ऐसा एक पेपर आता है, छाल आती है पेड़ की, भोजपत्र कहते हैं उसे,
इसके ऊपर आप इस यंत्र को स्वयं बना सकते हैं, और यानी कि इसे आपको अभी नहीं बनाना होता है, ये भोजपत्र ले जाइए और अनार की कलम से आप जो है इसे अष्टगंध की स्याही से आप ले जाके वहां पे, और जब ग्रहण काल होता है तो आप नहा धो के भगवान का जाप करके और उसके बाद इस यंत्र को वहां पे निर्मित करिए और वहां पे इसे प्राण प्रतिष्ठित कर लीजिए। या इसके अलावा जो है ये केतु के जो लॉकेट आते हैं, ऐसे लॉकेट आपको मार्केट में मिल जाएंगे, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं या कहीं से भी मिल जाएंगे, आप इन्हें खरीद लीजिए। और ये लॉकेट एक है, इसके ये फ्रंट साइड है, ये इसका बैक साइड है, तो आप इस लॉकेट को वहां पे ले जाइए, इसको भी उसी की तरह प्राण प्रतिष्ठित करिए और जाप शुरू करिए, इसकी भी मंत्र संख्या इतनी है। इन चीजों को करके आप धारण कर सकते हैं, और ऐसा भी एक लॉकेट ले सकते हैं जिसमें इस लॉकेट के ऊपर केतु का रत्न लहसुनिया यानी कि कैट्स आई जो है वो जड़ित होता है। तो ये हम केतु को यहाँ पे फलित करना बता रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारे और भी ग्रह हैं उनको भी फलित कर सकते हैं, लेकिन केतु को इसलिए कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति केतु से पीड़ित है या फिर अपनी जन्म कुंडली में गुरु, चंद्रमा, शनि, बुध इनसे भी पीड़ित है, तो केतु इन पांचों ग्रहों को अपने साथ ले रखा है, और इन पांचों ग्रहों के साथ और इनमें से चार जो ग्रह हैं वो तो केतु के ही नक्षत्र में है। तो इसका तात्पर्य है कि हम इस दिन केतु की पाठ पूजा करने से, जैसे मेरे जैसे उपासक, मैं खुद केतु की पाठ पूजा करता हूँ, केतु मेरे देवता हैं, तो आप केतु की अगर पाठ पूजा करते हो इस दिन और केतु का ये जो मंत्र बना लेते हो, ये यंत्र बना लेते हो, तो आप ये मानिए कि आप एक महान राजयोग जैसा समय निकालने के योग्य बन जाते हो। क्योंकि आप ये मानिए कि जातकों को केतु से संबंधित बहुत पीड़ा होती है, तो आप इस केतु का ये जो यंत्र है ये बनाएं और इसका लाभ लें। इसके अलावा कुछ दान पुण्य होते हैं, हम वहां पे संकल्प लेके कुछ दान पुण्य कर सकते हैं, जैसे सप्त धान्य जो है वो गाय को खिलाएं, कपिला गाय को खिलाएं, और इसके अलावा कुत्तों को यानी कि जो दो रंग के कुत्ते हैं या अन्यथा कोई भी कुत्ते हो उनको जो है आप तेल के बने हुए परांठे खिलाएं, जैसे वो राहु शनि दोनों के लिए, इनके लिए भी है। तो केतु किसे संबंधित इस तरह का दान करें, या फिर अपंग व्यक्तियों को कंबल दे सकते हो, उनकी सेवा कर सकते हो, तो ये सारे उपाय भी करने से आपको लाभ। लेकिन ग्रहण काल में साधना का समय, तो आप ऐसे मंत्रों का यंत्रों का निर्माण करें। तो आज के इस वीडियो में मैंने इस ग्रहण काल से बचने के लिए और अपने जीवन में अच्छी चीजों में लाने के लिए केतु से संबंधित यंत्र के बारे में बताया है, और इसका लाभ कैसे लिया जाए उसके बारे में बताया है। तो आप इस तरह से इसका लाभ ले, ग्रहण काल में स्नान करके पवित्र नदी में भगवान विष्णु की आराधना करें, ये भी एक बहुत अच्छा चीज है, आप इसको भी लाभ लें। तो आज के ये जो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।